हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आपका फिर से स्वागत है गेमिंग स्विच चैनल पर। और आज हम खेलने जा रहे हैं अपना WW2K24 का छी है मोड कंटिन्यू करने जा रहे हैं भाई। थर्ड वीक अपना चल रहा है, अपनी नंबर वन पोजीशन बनी हुई है। स्मैकडाउन ब्रांड है जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। तो भाई काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि बजट अपने को काफी कम है और कुछ अरीनास मैंने चेक करे थे खुले हैं और हम खरीद नहीं सकते कुछ और रीजन के। अरीना 2 ओपन ने खोला था जो एक्टिवेट है, दूसरा वाला 2 लाख का है। 2 लाख तो अपने पास टोटली नहीं है, अपने को मैचेस भी बुक करने हैं उसमें। तो भाई चलते हैं अपना आज का शो बुक करते हैं गाइस, देखते हैं कैसे जाता है। गोल देख लेते हैं एक बारी के लिए। टेस्ट टू प्राइमरी सोलो चैंपियन दिस वीक जो कि है अपना रोमन। रोमन को इस वीक हमें रेस्ट देना है और कुछ और थे मतलब गोल्स जो हमें कंप्लीट करने थे फाइटर्स के अपने और रोस्टर्स के। एक तो भाई बैली ने ट्रिपल टीच मैच या फैटल 4-वे मैच मांगा था लिव मॉर्गन एंड रॉक्सवेना के अगेंस्ट, टैग टीम इसने मना किया था। चलो एक भाई ड्रू मैकेंटायर सेट रोलेंस को मुझे मैच देना है। चलो ठीक है, सबसे पहले मिशन पूरा करेंगे और अपना ओपनर मैच शुरू करेंगे। ड्रू मैकेंटायर कहाँ है? ये रहा अपना ड्रू, इसकी सेट के साथ राइवलरी भी है लेवल 1 की। तो सेट और ड्रू को सबसे पहले मैच देंगे। कौन सा मैच लगाया जाए इनका जिसमें कि अपना शो क्वालिटी अच्छी हो जाए और काम हो अपना बढ़िया। स्टेमिना भी एक बार मैं चेक कर लेता, दोनों का अच्छा खासा स्टेमिना है, दोनों लड़ सकते हैं काफी। एक अच्छा मैच देना चाहिए भाई। पोस्ट काउंट एनी वेयर मैच 10 है। स्टेमिना कोस एक्सट्रीम क्वालिटी बूस्ट, चलिए भी ठीक है। मिशन तो अच्छा नहीं रहेगा, 50% एडिशनल राइवलरी चांस है। बाकी तो अभी खुले नहीं हुए। पोस्ट काउंट एनी वेयर मैच हम दे सकते हैं भाई 10 ही, अपना 10 ही हजार का है और शो भी अच्छा हो जाएगा। चलो नहीं दे सकता, टायर टू ले तो रखा है मैंने, क्रू का टायर टू होना चाहिए। सॉरी सॉरी यार, ये भी नहीं ले सकते अपन। तो काफी लफड़े वाली चीज है, आप काफी सारे मैचेस हम खोल नहीं सकते और इतना पैसा भी नहीं है अपने पास अभी। तो देखते हैं कुछ करते हैं एक्सट्रीम रूल्स में भाई, मीडियम मीडियम है, सबमिशन मैच में राइवलरी चांस हो जाएंगे। पर नहीं है क्वालिटी कॉस्ट की शो भी लो है। टीएलसी काफी महंगा है, 30 हजार। टीएलसी हम दे सकते हैं भाई, स्टेमिना कॉस्ट और दोनों हाई है। टीएलसी देते हैं, अच्छा ओपनर मैच कराते हैं हम, टाइटल इनका ओन रख देते हैं गाइस। ये देखो और अपना मेन इवेंट किसको देना है? मेन इवेंट देखना भाई रोमन को, तो इस वीक में मुझे रेस्ट कराना है ताकि रोमन सही। पहली को दे देते हैं हम मेन इवेंट में भाई, गर्ल्स को की बारी मेन इवेंट में मैच देंगे। ट्रीट या पैटल बॉल में देते, पैटल बॉल में देते, चारों लड़कियां इंगेज रहेगी तो ठीक रहेगा, किसी की किसी से लेवल में आ जाएगी ना। लिव मॉर्गन और रोक्सेना के साथ वैसे वो मैच चाहती थी, पेपर के साथ वो नहीं चाहती। पेपर के साथ दो बैंक हुआ भी नहीं, अपन ट्रिपल ट्रीट ही दे देते हैं। पेपर तो इसकी ही टीम मेट है ना, एक्सट्रीम रूल्स में देंगे ये भी। और वे की जगह मैं ट्रिपल ट्रीट कर देता हूँ, पहली रोक्सेना ये पीले ना। रोक्सेना तो बिजी है भाई, गोल खराब हो जाएगा भाई। रोक्सेना बिजी है और पहली से कहा है ये तो लफड़ा पड़ गया भाई, सॉर्ट आउट कर। अच्छा है मिड कार्ड में कोई मैच था तो ट्रिपल ट्रीट ही डालता हूँ, पर मैं ट्रिपल ट्रीट में बाकी दोनों लड़कियों को डाल देता हूँ। क्या करूँ तब मान जाइए, रिकॉर्ड करके साथ तो दे ही रहा हूँ ना, टाइटल मैं नहीं दूंगा इसमें। ये मैच में ठीक टेबल सी दे देता हूँ, उसमें भी नहीं दूंगा। एक और मिड कार्ड मैच अपने को चुनना है क्योंकि तो अपने को दो राइवलरी अपनी बिल्ड हो चुकी है, उन दोनों का चुन सकते हैं हम एक एक। टैग टीम तो इनकी राइवलरी बिल्ड हुई नहीं थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन और डोमिनिक की राइवलरी बिल्ड हो चुकी है, तो देते हैं एक नॉर्मल मैच। एक और राइवलरी बिल्ड हुई थी जो कि थी अपनी भाई सोलो सिकोवा और कार्ल एंडरसन की, तो ये दोनों करेंगे अपना मैच। मेन इवेंटर थोड़ा अच्छा देना पड़ेगा ताकि अच्छा चला जाए। सबमिशन भाई टेबल सी दे रहे, टेबल से थोड़ा ठीक हो जाएगा। चलो या फिर टैग टीम मैच भी दे सकता हूँ मैं, इनकी राइवलरी बनी नहीं है।
मैं ज़्यादा टाइटल्स नहीं खेल पा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ भाई कोल आउट प्रोमो कराता हूँ सबसे पहले तो रोमन की भाई ये इसके साथ कॉल बुरा है यार, रोमन कुछ नहीं कर सकता, रोमन ना तो कॉल आउट कर सकता ना प्रोमो नहीं कर सकता, रोमन का परफॉर्मेंस बीट करना पड़ेगा भाई। देखते हैं भाई एजी स्टाइल खाली बैठा है, एजी स्टाइल क्या करेगा, एजी स्टाइल प्रोमो कराते हैं, एजी स्टाइल से लड़ने के लिए मुझे कोई ना कोई फाइटर गाइस बाय करना पड़ेगा, फिलहाल तो मैं इसका सेल्फ प्रोमो करा देता हूँ, वैरायटी गेम कराता हूँ और क्या हो सकता है यहाँ पर, कैरेटी प्रोमो कौन करेगा, एक्चुअल लूमिस का तो हाल ही बुरा है, उनको रेस्ट देना है और कोई मेरे हिसाब से नहीं कर सकता है कुछ भी, आज का शो मेरा इतना अच्छा नहीं जाने वाला है क्योंकि अपने पास पैसे कम नहीं है और 2 लाख अपने पास है ही नहीं भाई, 2 लाख अपने को किसी तरीके से करने होंगे, नहीं करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा भाई, पीछे जाने का तो चांस है, तो अगले वीक में देखेंगे। चैंपियंस तो बेली को भी रेस्ट देने के लिए कह रही है, बेली को अभी रेस्ट हम नहीं दे पाएंगे, बेली को रेस्ट दे देते हैं भाई, मैं तो सोच रहा हूँ बेली को रेस्ट दे ही देता हूँ, जब वैसे भी इसकी मैं जो विश थी वो मैं पूरी तो कर नहीं पा रहा हूँ, बेली को हम रेस्ट देते हैं यहाँ पर, इन दोनों का मैच यहाँ पर कराएंगे, अरे सिंगल्स मैच, और मुझे कुछ ना कुछ यार रोस्टर्स खरीदने होंगे, मैंने कुछ रोस्टर्स देखे तो थे, अगली बार और रोस्टर्स का ऐसे निकाले थे, देखो टैलेंट स्काउट में से कुछ लड़कियां मैंने ली थी, इनमें से कुछ लेंगे भाई, सर्च करने के भी फिर पैसे लगते हैं भाई, अभी सिस्टम बैठ गया है देने का, फिलहाल अपना शो बुक कर लेते हैं भाई, पर पहले क्या था लॉजिस्टिक्स में अपन कोई भी एरिना एक्टिवेट करते ना उसके बाद भी उसका चार्ज लगता था, बस अब एक्टिवेट एक्टिवेट करना है उसके बाद उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये एक अच्छी चीज़ हो गई है, 2 लाख अपने पास है ही नहीं ना, किसी को रिलीज करके मैं पैसे ले लूँ गलत नहीं हो जाएगा, ये पूरा बजट फिर 0 ही हो जाएगा, फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, फिलहाल मैं रहने देता हूँ भाई अपना, और भाई पहली थोड़ी नाराज होने वाली है अपने से, इसको कुछ करना पड़ेगा बाद में, चलो फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ, इसलिए कुछ मुझे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे भाई तभी बातचीत बन पाएगी। पहला मैच है अपना ड्रू वर्सेस सेट का, इनकी नंबर वन की राइवलरी है, इस बार हम पहला ही मैच रेस्पेक्टेड करेंगे, TLC मैच है, देखते भाई कौन ही जीतता है, चलो भाई क्योंकि बाकी मैच सौ आने को कोई ब्रॉन्ज टूर्नामेंट वाला हमने बार लास्ट टाइम पे देखा ही था, तो इसको देखते हैं अब की बार, A man who has slain every competitor on his way to reach the mountaintop in WWE. Yeah, I think इस रोल लेके आता है भाई आजकल, ये हम खेल रहे हैं इस पे कंटिन्यू हम चलते शिप अपने साथ रोल है भाई के पास, The Intercontinental Championship held by over a dozen WWE Hall of Famers, the likes of Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Bret Hart. Well, that title symbolizes the workhorse of WWE. It certainly has a history of being the largest stepping stone any individual can climb. Known to be superstars on the map, all facts that these men know very well. A man down, standing Shiranui. Showing off the quickness, that'll turn things around in a hurry. No telling what's underneath the ring tonight. No matter which way he uses that ladder, there's gonna be a crash. Tagging this outside. This could be good. Rollins is feeding off the WWE Universe. A flat out power into the scoop slam. They weren't that good looking anyway. Tackles ruthless. He's reaching under the ring for anything useful. The steel chair. Looks like he's opted to go with the simple but effective statement here. Face first off the post. Ooh, what a move. Swing blade by Rollins. Yeah, Rollins, yeah,
मतलब पॉइंट कर सकते हैं कौन आपको लग रहा है कि जीतेगा भाई. Look at this. Just launched his opponent overhead, belly to belly. Single leg drop kick caught him. Looks like they're looking for a neck breaker. Oh, fall to the neck. The challenger eating up some damage. And Rollins is wearing a self-satisfied smirk after learning that. He's setting it up on the ring apron right now. You've got to wonder what he has in mind here. Hurled away. God. Not the prettiest thing you'll ever see, but it sure looks effective from here. Goes under the ropes to get back inside. Single leg drop kick caught him. Look at this. Just launched his opponent overhead, belly to belly. All right, back to it, returning to the ring. Outside the ring now. He has no need to rush. Settling on the kendo stick. No good can come from this. Kick after kick after kick. The champ just striking at will. Merciless display towards the challenger. Display of power.
somehow holding steady late into this matchup. Shuts out quick. He's doing anything it takes, but he's still got to ascend the ladder. Muscling up there. Way up and down. The battle cries of a Scottish warrior emanating from McIntyre. Showing out their deadlifting prowess and just tossing their opponent like they're nothing. Just a ferocious assault from McIntyre. Yeah, Drew's doing well not allowing Rollins out of arm's reach. Now Rollins looking for some momentum. Here it comes! And I see a cut on McIntyre after that exchange, and that could provide all the breathing room you need to climb a ladder. Working his way up the ladder now. This is a critical moment. But I'm trying to get a quick victory here. Not a bad strategy. It seems a bit early to be going for the win, if you ask me. Not if they can win it right here, though. Look at that snatch of victory. Yes, he's taking a turn up there. Oh, this is such a dangerous position. Attack to the midsection. Continues up on the ladder. Dangerous. He's fighting to stay alive. Scratching and clawing. Bang! Throwing haymakers 15 feet above the canvas. These two just don't care. That might have saved the match for him right there. He's borrowing some valuable time. There goes that idea. Yeah, I'm not really sure climbing the ladder is such a smart move. Don't do it! It landed, but it still looked like a disaster to me. Here we go. Looking at Iron Curtain climb up the ladder. I think this is it. Look at him looking here. Here we go. You got to pull up. You got to pull the floor. Come on. Yeah, there's our new champion. Drew McIntyre was just playing Beckham tonight. Here's your winner. And new WWE Intercontinental Champion, the Scottish Warrior, Drew McIntyre. भाई चार स्टार मिल गए अपना मैच ओपनिंग अच्छा हो गया यही मैं चाहता था राइवलरी भी देखना चाहता हूँ बढ़ गई होगी तो अच्छी बात हो जाएगी नहीं भाई अपन ने हार्ड लगाया हुआ तो राइवलरी इतनी समय से बढ़ नहीं गई लेवल वन की लेवल टू बनती ही रहेगी तो लेडीज चल गई दो पॉपुलरिटी बढ़ गई किसी यूज़ कहाँ करूँ ली मॉर्गन और पेपर का मैच है भाई इसको सिमुलेट करते हैं और देखते हैं फटाफट क्या रिजल्ट रहता है पेपर चैंपियन राइवलरी बिल्ड हो गई चलो ये अच्छी बात है क्रॉस रोमन डोमिनिक की राइवलरी बनी थी पिछली बार बहुत खराब मैच गया था दो स्टार का अब देखते हैं इट्स ओवर हिट द बेल क्रॉस रोमन कैसे जीत गए इससे वीडियो पर दो स्टार से ज्यादा मैच खेली हुई है लेवल 2 की राइवलरी होने के बावजूद भी ना तीसरा मैच है भाई कार्ल एंडरसन और सोलो लास्ट मैच मतलब तीसरा नहीं चौथा कार्ल एंडरसन वर्सेस सोलो सिकोवा उसको सिमुलेट करते हैं भाई इट्स ओवर कार्ल एंडरसन सोलो सिकोवा को मार दिया लेवल 2 की राइवलरी पर की तीसरा बट अपने ये मैच अच्छा नहीं जा रहा भाई रोन और डोमिनिक का मैच अच्छा नहीं जा रहा एक बार और करा के देखूंगा दो लेवल की राइवलरी में अच्छा नहीं गया तो फिर तो नहीं जा सकता रो का शो हम सिमुलेट करते हैं भाई अगला इनका कॉल आउट प्रोमो था पर अभी टैग टीम भाई रोस्टर कहां से आ रहे हैं दैट्स 3 ब्रिंग इट इवन का सही चला गया ये काफी रोस्टर प्रोसेस लेने पड़े मैं टैग टीम ब्रिंग द बेल यानी भाई महंगे महंगे रोस्टर से नहीं रहा है ये That's it.
ये थोड़े रेसलर्स भाई कहां है, परेशान हो चुको, अरीना खोलूं या रेसलर खोलूं, क्या खोलूं भाई। फाइनल ECW का हम देख लेते हैं सिमुलेशन। 1 2 इट्स ओवर, रिंग इट। तीन स्टार पर पहुंच गया भाई, अच्छे फैंस ले लिए। 1 2 दैट्स 3 रिंग इट भाई। कोडी रोड्स जीत चुका है गंथर ने, एक पुलिस को काट दिया। दूसरा भी अपना सही, तीसरा जो था अपना वो वाला जो था, ये ब्रॉन स्ट्रोमैन और डोमिनिक मिस्ट्री हर बार मुझे निराश कर दे रहे हैं, ये खराब जा रहा है अपना राइवलरी भाई। राइवलरी भी बिल्ड नहीं हो रही जल्दी से, जल्दी टू वगैरह की राइवलरी, मुझे कॉल आउट प्रोमो ही करवाने पड़ेंगे राइवलरी अच्छी बिल्ड कराने के लिए। 40,000 अपन ने फैंस कम ही लिए, 23,000 का प्रॉफिट लिया, 2 लाख से ऊपर का अपना बजट हो चुका है, ऐसे भी नहीं बन पा रहे भाई, अपने को करीना खोलना ही पड़ेगा। 45,000 ने अपने से ज्यादा फैंस ले लिए भाई, ये कौन को सबने अपने ज्यादा ले लिए होंगे। NXT ने भी भाई 53,000 फैंस ले लिए, तो ECW ने 48,000 फैंस ले लिए भाई। अब अपना टोटल देखना कि मैं पहले मैच से पिछड़ गया हूं, मैं पिछड़ गया हूं, मैच का बोल हमने पूरा किया, इसलिए अपने को एक कार्ड मिला है गाइस। तो भाई NXT आ गया, शिट मैन ये कैसा मेरा शो चला गया भाई, मैं नंबर 1 पे था इस शो से पहले और मैं भाई लास्ट पे आ गया हूँ भाई, ये क्या ही घटना घट गई है मेरे साथ। क्योंकि भाई मैं अरीना नहीं खोल पाया था इसलिए मेरा काफ़ी लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, पर अब मैं अरीना खोलूँगा भाई। एक ही ब्रांड बचा था जिसने मुझ पर कार्ड नहीं मारा था, ECW, इसने ही मुझे मेरे पर कार्ड मार दिया, सब मुझ पर ही कार्ड मारने पर चले हुए हैं। किसी का कॉन्ट्रैक्ट 1 वीक का घटा दिया, बैली, अब बैली मुझे पता नाराज होने वाली है, बैली के मोरल में मेजर डिक्रीज हो गया, बैली को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये ठीक है भाई, जो रोमन चाहता है इसको देना पड़ेगा, नहीं तो भैया अगर ये नाराज हो गए ना तो मेरा भट्टा बैठ जाएगा। ठीक है, रोमन कह रहा है की बात करनी पड़ेगी भाई। अपन फोर्थ, एक शो पहले जस्ट हम थे भाई फर्स्ट नंबर पर, एक शो के बाद हम हो गए सीधा सीधा फोर्थ पे भाई। स्टिक्स में देखा 3 लाख वाला, 2 लाख वाला अपना खुला हुआ है, 2 लाख वाला अपने को खोलना होगा इस वीक में किसी के बाद। आज की वीडियो को तो वहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।